क्वेश्चंस पे आपका स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप सब। आशा है आपकी जहाँ आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी बहुत गर्मी हो रही होगी। हमारे यहाँ पे राजस्थान में देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। कितनी भी प्लांट्स की केयर करें हम, कितना भी इनकी देखभाल करें, और ये मुरझाई जाते हैं। भरी दोपहरी में इनके पत्ते कितने कुमला जाते हैं। और दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता है गर्मी में पौधों को संभालना, क्योंकि बहुत तेज़ हमारे यहाँ पे तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। ये देखिए ये मेरी मोगरे की जो बेल है, आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बेल है और फूलों से भरी हुई है। लेकिन आप देखिए अभी इसके फूल इस गर्मी की वजह से जल गए हैं, सारे फूल जो है वो ब्राउन हो गए। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए ना फूल, इतने फूल आते हैं इस बेल के अंदर, इतने फूल आते हैं। लेकिन ये देखिए एक ही दिन में इन फूलों का रंग भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाते हैं ये फूल। ये देखिए सारे फूल जो है वो कुमला गए हैं एकदम से। ये देखिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों इनको संभालना, इनकी केयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी तो मुझे कोई मिला नहीं है जो मेरी ग्रीन जालियां लगा दे, तो वो भी मैं नहीं लगा पाई हूँ अभी तक। इस वजह से भी प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं। सो दोस्तों बहुत ही ऐसा ये टाइम है जब आपको बहुत केयर करनी होती है अपने प्लांट्स की, ताकि वो हरे भरे रहें, अच्छे से चलते रहें। और ये सब गुलाब के पौधे हैं, लेकिन इनको भी अब धूप नहीं चाहिए, अब इनको भी छाया चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंग्लिश गुलाब हैं और इन सबको भी अभी शेड की ज़रूरत है। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस गर्मी के मौसम में इनकी देखभाल करना। तो आइए मैं आपको, ये देखिए मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इतना खूबसूरत ये हाइब्रिड प्लांट है और इतने फूल ये दे रहा है। देखिए अभी भी आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, लेकिन ये देखिए गर्मी से कुमला जाता है। इसको सुबह भी पानी दिया था और देखिए अभी से ये इसका क्या हाल हुआ है। शाम को मैं इसको फिर नहलाऊंगी, फिर पानी दूंगी। और बहुत सुंदर प्लांट है ये मेरा, लेकिन गर्मी से ये बेहाल हो रहा हुआ हुआ है। ये देखिए मेरा मनी प्लांट, ये भी पूरा अच्छा फल रहा है, लेकिन देखिए गर्मी की वजह से आप देख रहे हैं इसके पत्ते, ये देखिए इसके पत्ते ये जल गए हैं। ये देखिए इतनी तेज़ धूप पड़ रही है यहाँ पे, ये जल गए हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहाँ रखूँ, अब जगह नहीं है मेरे पास इतनी कि मैं इनको छाया में रखूँ, इसलिए ये पौधे काफ़ी जल रहे हैं। और ये छोटे छोटे प्लांट हैं मेरे, बहुत ही सुंदर लगते हैं मुझे ये प्लांट। ये देखिए कितना प्यारा ये येलो कलर है यूफोर्बिया का, और ये टर्टल वाइन कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मैंने एक ट्रे गार्डन बना रखा है दोस्तों, इसके बारे से एक बार बात करूंगी कि ये ट्रे गार्डन कैसे बनाया जाता है। और आपको अच्छा लग रहा होगा, खूबसूरत लग रहा होगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी बाद में। और ये देखिए ये मेरे प्लांट हैं जो इतनी तेज़ गर्मी के बावजूद भी बड़े अच्छे से चल रहे हैं, खुदा का शुक्र है। क्योंकि यहाँ पे एक तो धूप कम आती है, दूसरी चीज़ मैं ये समझती हूँ कि मैंने इन सारे प्लांट्स को बहुत ही करीब करीब रखा हुआ है, एक दूसरे से मैंने सटा के इनको रखा हुआ है, जिससे कि ये आपस में एक दूसरे की नमी को लेते हुए ये लगे अच्छे से चलते हैं। और दोनों टाइम में इन्हें पानी देती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, मेरे पौधों को नहाने का बहुत शौक़ है, तो मैं इनको दोनों टाइम शावर देती हूँ। मैं इनको पानी, मेरे पानी देने का तरीका यही है, मैं सीधा इनको शावर देती हूँ, जिससे कि इनके पत्ते जो हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएँ और पत्तों के द्वारा भी इनको नमी मिले और साफ़ हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी प्लांट हैं मेरे, ये सब प्लांट जो हैं पत्तियों की ही ब्यूटी है इनके अंदर, ये पत्तियों का ही इनके अंदर सब कुछ है, फूल इनमें लगते नहीं है। तो कम से कम जो ये पत्तियां हैं, इतनी खूबसूरत पत्तियां हैं, वो तो कम से कम सुंदर दिखें, तो इसलिए मैं इनको ज़रूर ज़रूर दोनों टाइम शावर देती हूँ। और देखिए दोस्तों ये मेरे छोटे छोटे मेरे मिनी प्लांट्स हैं, ये देखिए आप। मुझे तो कुछ भी छोटा सा चीज़ मिलती है मैं उसमें अपने पौधे लगा लेती हूँ। देखिए आप छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी, और इसके अंदर मैंने ये देखिए पौधे लगा दिए हैं। ये तो ग्लास है छोटा सा जिसको हमने पेंट किया हुआ है, ये बिस्लरी की ये बॉटल है। और ये देखिए ये मैंने आपको एक बार बताया भी था बना कर ना, ये बल्ब से बनाया हुआ है ये मेरा। तो इसका एक और है, ये देखिए ये देखिए है ना,
ये मैंने इसमें लगाया, स्पाइडर प्लांट लगा रखा है। तो ये सब मैं छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधे लगाने के लिए। ये देखिए, ये छोटा सा कुछ रस मलाई या कुछ ऐसी डिस्पोजेबल छोटी सी कटोरी है जिसके अंदर भी मेरा ये छोटा सा स्नेक प्लांट लगा हुआ है। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट्स लगाती रहती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, अभी क्योंकि ये गर्मी का मौसम आ गया है तो पौधशालिका अब खूब फूल देने वाला है। ये देखिए, इसमें मेरे फूल भी आने लगे हैं। तो मैंने अपनी सारी जो मेरी बास्केट्स हैं उनको मैंने सब में ही अब ये पौधशालिका लगा दिया है, जिससे कि ये मुझे पौधशालिका के फूल अच्छे लगे। ये बारिश में और भी बहुत ज़्यादा खूब सुंदर सुंदर फूल इसके अंदर बारिश में आने वाले हैं। तो दोस्तों, देखा आपने मेरा ये, मैं आपको अभी बहुत दिनों के बाद अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि देखिए, इतनी तेज़ गर्मी है उसके बावजूद भी ये प्लांट मेरे ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको शेड मिल रही है। और दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको प्लांट दिखाए हैं ये शेड लविंग प्लांट है। इनको छाया में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे छाया में नहीं रखेंगे तो ये पौधे जल जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन पौधों को छाया में रखें। ये देखिए, फर्न बहुत सालों से ये मेरे पास हैं। ये मेरे पास होंगे करीब 6 7 7 8 साल से मेरे पास में ये प्लांट लगे हुए हैं, और मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ जिससे कि ये चलते रहें। और ये सभी प्लांट ऐसे हैं कि ये बहुत मल्टीप्लाई होते हैं। जब बारिश का मौसम आता है मैं इनको निकालती हूँ और इनको अलग अलग करके दूसरे दूसरे गमलों में लगा देती हूँ। इससे मुझे ये प्लांट बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास में ये इनका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। यहाँ पे मैंने ये मेरा पुदीना लगा रखा है। ये देखिए, ये पुदीना है। जब भी मैं घर में पुदीना लाती हूँ उसकी डंडियों को मैं ऐसे लगा देती हूँ। पहले मैं पानी में डालती हूँ, जब जड़ निकल आती है तो मैं उसको उगा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी चिड़िया का पानी है, ये मेरी चिड़िया का खाना है। और ये देखिए, ये मैंने अभी एक और नया एक पॉट बनाया है बिस्लरी की बॉटल से, जिसमें मैंने पौधशाला का उगा रखा है। जब फूलों से भर जाएगा तब ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये भी एक मेरी सिंगोनियम की बेल है दोस्तों, जो कि बहुत अब पुरानी हो गई है। करीबन 6 8 साल से ये मेरे पास है। और देखिए, अब इसके पत्ते भी जो कन्वर्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये पहले जो छोटे होते थे, ये पत्ते छोटे साइज के होते थे, अब ये पत्ते जो हैं, ये देखिए, ये पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं। 5 फिंगर्स इसकी हो गई हैं अब इस पत्तों की। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनूठी शेप है इसकी दोस्तों। ईश्वर ने हर एक प्लांट को, जैसे इंसानों को अलग अलग शक्ल में रचा है, देखिए एक एक पत्ते को अलग अलग शक्ल में ईश्वर ने रचा है, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये है हमारा सिंगोनियम का एक बदला हुआ रूप। देख रहे हैं आप इसका पत्ता, इतना सुंदर पत्ता है इसका। और ये मेरा करी पत्ते का प्लांट है दोस्तों। एक बार मेरे किसी व्यूअर ने पूछा भी था कि कैसे प्रोपोगेट होता है। तो दोस्तों, अब ये जिसकी इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके सीड्स आ गए हैं, फ्रूट आ गए हैं, है ना। अब ये पक जाएंगे, काले हो जाएंगे फ्रूट, फिर ये ज़मीन पे गिरेंगे, इसके दौरान बारिश आ जाएगी और ये यहीं से प्रोपोगेट हो जाएंगे। वैसे इसकी कलम भी लग सकती है, जो आप बारिश के मौसम में लगाएंगे तो इसकी कलम भी लग जाएगी। अदरवाइज ये बहुत ही आसानी से ये उग जाते हैं। यहाँ पे मेरी एक और बेल है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बेल है ये। अभी फिलहाल मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत ही कॉमन बेल है ये, मोस्टली सब घरों में मिल जाती है। एक बहुत ही बिग साइज का जिसे मनी प्लांट है ये। और ये इसीलिए बची हुई है कि दोस्तों, कि इस कोने के अंदर धूप नहीं आती है और इसलिए ये लग रही है, वरना ये इसका भी हाल खराब हो जाना था। और देखिए, पौधे कितने कुमला रहे हैं गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा पर कुछ कर नहीं सकते। मेरी मोगरे की बेल है और इसमें भी काफ़ी फूल आ रहे हैं, लेकिन ये भी जल्दी ही मुरझा जाती है। ये मेरा चंपा का रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। और ये है मेरा बॉन्साई जेड प्लांट का, जिसको मैंने एक विशेष शेप देकर लगा रखा है। ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मोर बैठा हुआ हो। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है, अभी बढ़ रहा है। ये टर्टल वाइन है, इसे मैंने बॉटल में लगा रखा है। इसके ये जो पत्ते हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे बहुत ही लंबे हो जाएंगे, बहुत ही लंबे लंबे लटकने लगेंगे। और ये मेरा
स्पाइडर प्लांट है, ये भी मैंने कलम से लगाया था। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, ये कलम से लगाया हुआ प्लांट है, देखिए कितना बड़ा हो गया ये। और उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में इसमें भी फूल आ जाएंगे। और ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत फूल देता है, गुलाबी रंग के, पिंक कलर के, बहुत सुंदर ये फूल देता है। ये देखिए मैंने बॉटल्स के अंदर भी अपने पौधों को लगा रखा है। और ये मेरा क्रोटन है, और ये देखिए आप कितने सुंदर सुंदर के ये फर्न के पत्ते देखिए कितने प्यारे और कितने खूबसूरत है, प्रकृति को कितनी सुंदरता प्रदान करते हैं ये। इधर ये देखिए आप, ये स्विस वाइन की जो चीज़ वाइन की जो पत्ते हैं, ये अपने आप में कितने खूबसूरत हैं, ये इनकी अपनी एक अलग ही ब्यूटी है ना। ये देखिए क्रोटन है, तो क्रोटन के पत्ते, इसकी अपनी अलग ही ब्यूटी है। तो कहने का मतलब यही है कि ईश्वर ने इतनी खूबसूरती के साथ इस प्रकृति को रचा है दोस्तों, तो हमें ज़रूर ज़रूर इनको संभालना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति खूब खूबसूरत लगे, अच्छी लगे, और वो हमेशा उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो खिली रहे, हरी भरी रहे हमेशा। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए।